आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 62,550 पहुंच गया है, वहीं 1,027 लोगों की मौत हो गई है। 232 दिन बाद खुले स्कूल, क्लासरूम में पहुंचे बहुत कम छात्र छात्राएं। कोरोना संक्रमण के चलते लागू हुए लॉकडाउन के बाद आज सोमवार को करीब 7 महीने बाद प्रदेश भर में स्कूल दोबारा खोले गए हैं। फिलहाल केवल बोर्ड कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खोले गए हैं। हालांकि स्कूल पहुंचने वाले छात्र छात्राओं की संख्या बेहद कम है। सरकारी और निजी स्कूलों का औसत देखे तो पहले दिन की उपस्थिति 10% भी नहीं पहुँच सकी। वहीं अक्सर में भी केंद्र सरकार व राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 10वीं व 12वीं की क्लास शुरू की गई। इस दौरान क्लासरूम में बहुत कम मात्रा में छात्र छात्राएं आए। मसूरी में खाई में गिरने से महिला की मौत, खोजबीन को दो गए लोग भी घायल। मसूर के भट्टा गांव की मीनू जदवान घास लेने जंगल गई थी, उनकी खाई में गिरने से मौत हो गई। खोजबीन करने गए राकेश बडोनी और नीरज थापली भी खाई में गिरने से घायल हो गए। नैनीताल में गिनती भर के छात्र ही पहुंचे स्कूल, नहीं खुले निजी कॉलेज। नैनीताल में सरकारी स्कूल खुल गए हैं, लेकिन पहले दिन गिने चुने छात्र स्कूल पहुंचे, जबकि प्राइवेट स्कूल अभी भी बंद है। स्थायी प्राचार्य और छात्र निधि को लेकर MBPG कॉलेज में NSUI का प्रदर्शन। NSUI के कार्यकर्ताओं ने आज हल्द्वानी के MBPG कॉलेज गेट पर धरना प्रदर्शन किया। NSUI के कार्यकर्ताओं ने प्रभारी प्राचार्य का घेराव करते हुए स्थायी प्राचार्य और छात्र निधि की मांग की। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि कॉलेज में बहुत से छात्र प्रवेश से वंचित हो चुके हैं, ऐसे में सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। देहरादून में जुआ खेलते 4 गिरफ्तार, 1 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद। थाना डालन वाला पुलिस ने रविदास मोहल्ले में जुआ खेलते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके पर से 1 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी भी बरामद की है। वहीं मौके से फरार एक आरोपी की तलाश जारी है। रुद्रप्रयाग में सड़क मार्ग से जुड़ेगा जिले का अंतिम गांव गोंडार। रुद्रप्रयाग जिले का अंतिम गांव गोंडार जल्द सड़क मार्ग से जुड़ जाएगा। गोंडार गांव के मोटर मार्ग से जुड़ने से द्वितीय केदार मध महेश्वर की यात्रा भी काफी आसान हो जाएगी। यहां वर्ष 2012 में सड़क की मांग को लेकर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार भी किया गया था। 3 बच्चों के पिता पर सवार हुआ इश्क, किशोरी को लेकर फरार। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के बिंदु खत्ता की रहने वाली एक किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए नाबालिग को बरामद कर लिया है। आरोपी 3 बच्चों का बाप बताया जा रहा है। उपनल से रोजगार। सरकार ने उपनल के जरिए खोले रोजगार के द्वार, बड़ी रजिस्ट्रेशन की संख्या। राज्य सरकार अब आम लोगों को उपनल के जरिए नौकरी देने जा रही है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। उपनल के प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर PPS पावा ने बताया कि अब तक 40,000 ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। अल्मोड़ा में कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला की मौत। अल्मोड़ा में अभी तक कोरोना के 8 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि उत्तराखंड में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है। काशीपुर में नहर में लाश मिलने से सनसनी, नशे में डूबने की आशंका। जसपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित नहर में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आशंका जताई जा रही है कि शराब के नशे में युवक नहर में गिर गया होगा, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। सतपाल महाराज ने विकास योजनाओं का किया शिलान्यास। रामायण महाभारत काल की परंपराएं भी होंगी विकसित। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जिले में 435 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि रामायण और महाभारत काल की परंपराओं को भी विकसित किया जा रहा है। विवादों में रही कोरोनिल ने बाबा की कंपनी पतंजलि को किया मालामाल, 4 महीने में इतने करोड़ की कमाई। देश में कोरोना महामारी के मामलों के बीच बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि मालामाल हो गई है। जी हां, बाबा रामदेव की कंपनी 4 महीने में कोरोनिल के सारे मालामाल हो गई है। जानकारी मिली है कि कंपनी ने महज 4 महीने में 85 लाख से अधिक कोरोनिल किट बेचे और करीब 241 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। उत्तराखंड में पहली बार हो रहा है ये काम, आज से शुरू होगा बड़ा अभियान। वन मंत्री हरक सिंह के अनुसार देश में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना उत्तराखंड में हो रही है। इस गणना की शुरुआत आज से ही हो रही है। वन विभाग की ओर से पहले चरण में उच्च हिमालय क्षेत्र में 40 कैमरे लगाए गए हैं। हिम तेंदुओं की गणना के लिए सेना और भारतीय वन्यजीव संस्थान की भी मदद ली जाएगी। रसोई गैस बुकिंग के लिए जारी हुआ नया नंबर, अब इस नंबर पर फोन कर करें गैस बुक। भारतीय पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय की सरकारी कंपनी इंडियन गैस ने अपने देश भर के उपभोक्ताओं के लिए नई सेवा शुरू कर दी है। इस सेवा के तहत इंडियन घरेलू LPG गैस के ग्राहकों के लिए नया नंबर जारी किया है। अब देश भर में कहीं भी इंडियन गैस के ग्राहक इस नंबर के जरिए अपनी गैस सिलेंडर की बुकिंग करा पाएंगे और इस नंबर पर गैस सिलेंडर की बुकिंग की सुविधा 24 घंटे 7 दिन काम करेगी। अभी तक अलग अलग टेलीकॉम सर्किल में गैस बुकिंग के अलग अलग नंबर थे, लेकिन अब एक ही नंबर जारी किया गया है और यह नंबर है 7718955555।
अब आप इस नंबर से अपने एलपीजी घरेलू गैस के सिलेंडर की बुकिंग करा सकते हैं। 5 लड़कों से 3 किलो चरस बरामद, 1 एमबीए, 2 इंटर पास। पुलिस और एसओजी की टीम ने बागेश्वर में 5 लड़कों को 3 किलो चरस के साथ पकड़ा है। पकड़ी गई चरस की कीमत बाजार में 3,30,000 के करीब बताई जा रही है। खास बात यह है कि पकड़े गए इन युवकों में से 2 अच्छे नंबरों से पास हैं और 1 एमबीए किया है। पांचों ने चरस अलग अलग गांवों से 60,000 रुपए में खरीदी थी। गंगोत्री हाईवे पर 12 पेटी अवैध शराब के साथ 2 गिरफ्तार। गंगोत्री हाईवे पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने 12 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले दिन स्कूलों में बेहद कम संख्या में पहुंचे छात्र, अभिभावकों से अनुमति पत्र लाना जरूरी। आज से उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं कक्षाओं के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खोले गए हैं, लेकिन पहले दिन स्कूल पहुंचने वाले छात्र छात्राओं की संख्या लगभग न के बराबर रही। वहीं स्कूल आने वाले छात्रों को अभिभावक से अनुमति पत्र लाना अनिवार्य है। महिलाओं और दलितों पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएगी कांग्रेस, 5 नवम्बर को प्रदेशव्यापी प्रदर्शन। आगामी 5 तारीख को कांग्रेस महिलाओं और दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करेगी। लखनऊ हाई कोर्ट के समीक्षा अधिकारी का सामान चुराने वाले चोर गिरफ्तार। लखनऊ हाई कोर्ट के समीक्षा अधिकारी गौरव कुमार और उनकी पत्नी का सामान चुराने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस की चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहाँ से कोर्ट ने तीनों को जेल भेज दिया है। हल्द्वानी में फर्जी पुलिस वाले लूट गए 3 लाख के जेवर, अब असली तलाश में जुटी। उत्तराखंड में बदमाशों ने अब पुलिस वालों के नाम का सहारा लेना शुरू कर दिया है। ऐसे ही एक मामला सामने आया नैनीताल जिला के हल्द्वानी से, जहां बाइक सवार बदमाशों ने फर्जी पुलिस वाला बनकर सुनार से दिन दहाड़े 3 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए। पीसीएस दीप्ती मनी उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्नी निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की सचिव। उत्तराखंड से बड़ी खबर है, बता दें कि उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्नी निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव पद की जिम्मेदारी पीसीएस दीप्ति सिंह को सौंपी गई है। बता दें कि दीप्ति सिंह क्षमायुक्त हल्द्वानी के साथ ही बोर्ड सचिव का अतिरिक्त दायित्व भी देखेंगी। सोमवार को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसका आदेश जारी किया है। उत्तराखंड से यूपी तक उत्तराखंड पुलिस की चर्चा, सीएम ने दिए जाँच के आदेश। उत्तराखंड पुलिस इन दिनों उत्तराखंड से यूपी तक चर्चाओं में आया। मामला ऐसा है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को जांच के आदेश देने पड़े। आरोप यूपी के बरेली जिले के सांसद ने नैनीताल उधम सिंह नगर पुलिस पर वसूली का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। यूपी के वाहन स्वामियों की शिकायत पर 2 दिन पहले बिलसी के विधायक पंडित राधाकृष्ण शर्मा ने उत्तराखंड के सीएम और पीएमओ को पत्र भेजा था। उन्होंने नैनीताल की लालकुआ और उधम सिंह नगर के कई कोतवाली और थाना क्षेत्र में पुलिस की ओर से की जा रही वाहनों से अवैध वसूली की शिकायत की थी। अब आंवला के सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने सीएम को लिखे पत्र में कहा कि लालकुआ से गौला नदी से खनन कर रेता बजरी ले जाने वाले वाहनों से हर थाने पर चेकिंग पर वसूली हो रही है। श्रीनगर में खुलने जा रही प्रदेश की पहली मॉडल डेयरी, 7 नवंबर को होगा भूमि पूजन। श्रीनगर में प्रदेश की पहली मॉडल डेयरी खुलने जा रही है। 92 लाख रुपए की लागत से बनने जा रही इस डेयरी के लिए दुग्ध विकास विभाग ने 37 लाख रुपए की धनराशि भी अवमुक्त कर दी है। ना गाँव में ना शहर में मझधार में फंसे ये 500 परिवार। नगर निगम से सटे इलाके जीतपुर नेगी के 500 से अधिक परिवार आज भी अपने संवैधानिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन गांव के ग्रामीणों ने ना तो नगर निगम में सीमांकन के दौरान निकाय में जोड़ा और न ही इनको गांव की ग्राम पंचायत का दर्जा मिला। अब तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान करने वाले ग्रामीण अपने संवैधानिक अधिकार और अपने क्षेत्र के विकास के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।